नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए भी देखने को मिलते हैं। कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन ले लेने से नुकसान भी होता है, इसलिए जितना हो सके प्रो कॉन्स एनालिसिस यहाँ करके ही अगर काम करें तो उतना ज़्यादा परफेक्शन आपको आपके काम में देखने को मिलेगा। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते या किसी से दब नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये प्योरली इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी तकरीबन बढ़िया है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह होती है कि बातों को इस कंडीशन मन में दबाते नहीं हैं, जो भी मन की बात है क्लियर कट सामने वाले से कह पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, बार्गेनिंग स्किल, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को भी मिलती हैं। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, अर्थात कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। खुद के मेहनत, पराक्रम या कोशिशों के बदले जीवन में ज़्यादा तरक्की, समृद्धि को हासिल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिलती है कि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक होता है, तो खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों को बदौलत जीवन में तरक्की, समृद्धि, खुशहाली को हासिल कर पाते हैं। कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता इसमें पड़ती नहीं है। फर्स्ट फिंगर थोड़ी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत जल्दी किसी की बातों पर रिएक्ट नहीं करते, खुद का लॉजिक लगाते हैं, खुद के तथ्यों के साथ अपनी बात को कहने की आदत देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में आपके रहेगा। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और थोड़े थोड़े गैप मेंटेन हो रहे हैं फिंगर में भी, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, पैसा ज़्यादा देर टिकता नहीं है। चैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। वहीं जो थंब का साइज हो, यहाँ पर आपका सशक्त, मजबूत है, जो थोड़ा हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है, एक बार जो ठाना वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी है, लेकिन थोड़ा ओपन है, तो पैसा तो जीवन में देगा लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगेन। और इस कंडीशन में अध्यात्म में रुचि अच्छी देखने को मिलती है, तो जितना ज़्यादा धार्मिक रहें, दान धर्म या पूजा पाठ करें, उतना अच्छा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बनता है। जब योग का चिन्ह प्रोमिनेंट हो जाता है हाथ में, अभी वो प्रोमिनेंट है नहीं, और गुरु पर कभी भी आड़ी रेखा होती है तो, और ऊपर से जब केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन मौजूद हो, तो ये सब सभी के सभी साइन मोक्ष प्राप्ति के योग को ही इंडिकेट करता है। तो आपका प्रश्न भी था ये, तो यस, मोक्ष प्राप्ति के योग यहाँ पर अच्छे हैं। केतु पर फिश सिंबल यानी धार्मिक यात्रा जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो सोल है उसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। गुरु की आड़ी रेखा वैसे ही दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है, आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि होना। और योग का चिन्ह भी यहाँ पर योग साधना में लेकर के जाता है, मेडिटेट बहुत अच्छा कराता है, इसीलिए इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग आने लगते हैं मेडिटेशन से। तो ध्यान रहे कि जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना अच्छा लाइफ में स्टेबिलिटी आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी यानी सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, ओवरऑल करियर। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में कभी भी किसी भी प्रकार का मेहनत, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं करने से। और बात करें अब यहाँ पर आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ विकसित आपका ठीक है, गुरु विकसित ठीक है, लेकिन शनि से थोड़ा सा इसका जो है कनेक्शन हो रहा है। तो शनि जब भी गुरु पर थोड़ा भारी पड़ते हैं या गुरु की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो मेरिड लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, इमोशंस के रिगार्डिंग भी, और ज़्यादा कुछ ग्रोथ मेरिड लाइफ में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो ये
आपको एम्बिशियस नेचर देगी, यानी महत्वाकांक्षीपन देगी, और कभी भी अपनी इच्छा मनोकामनाओं को दबाएंगे नहीं आप, और उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करेंगे। इसलिए ये जीवन में बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आड़ी रेखा है ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग तो देती है, लेकिन इस कंडीशन का सबसे मेन मीनिंग निकलता है अध्यात्म में रुचि। इस कंडीशन में बच्चे बहुत अच्छे लायक निकलते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो यहाँ पर आपके दो आइलैंड के फॉर्मेशन क्लियर कट दिख रहे हैं, तो बेबी के चांसेस अच्छे खासे दिख रहे हैं फिलहाल आपके पाम में वापस से। और आपका प्रश्न भी था कि दूसरा मैरिज होगा क्या, तो यहाँ पर आपके दो यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी, ये मैरिज को तो नहीं दर्शा रहा, लेकिन हाँ एक से ज़्यादा बार आपके अटैचमेंट होने के चांसेस हैं, इमोशनल अटैचमेंट। अब बात करें यहाँ पर आपके आपके शनि के विषय में, तो शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो ये भी हार्डवर्क करवाता है, और जितनी सीधी खड़ी रेखाएं सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। नया काम करने की चेष्टा हमेशा ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ जो आड़ी रेखा है ये बहुत मूडी नेचर इंडिकेट करता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है। मूडी नेचर होने के कारण कई मरतबा सीरियस, कई मरतबा प्रैक्टिकल, कई मरतबा इमोशनल नेचर यह क्रिएट करता है, चिंतन मनन का कारक होता है, तो बहुत ज़्यादा ये डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है। खुद के ख्यालों में रहना, कुछ न कुछ सोचते विचारते रहना। एक अच्छी बात यह होती है कि ये थोड़ा रिसर्चिंग नेचर दे देता है, लेकिन इस कंडीशन में कोई भी काम एक मेहनत से नहीं बनता, क्योंकि ये भाग्य का क्षेत्र है। कोई भी आड़ी रेखा हर काम में रुकावट अड़ंगे देती है, इसलिए आपको शनि का उपाय करने की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आपके क्लोजअप पे भी देखें हम, तो सीधे सीधे देख सकते हैं कि आपका लक लाइन स्टार्ट वी से हुआ, जो कि एक से ज़्यादा स्किल्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वी सिंबल अच्छा माना जाता है, लक के अकॉर्डिंग कंफर्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ाता है। लेकिन देख सकते हैं ये रेखा एकदम आगे जा करके एकदम विलुप्त सी हो गई है, और फिर अनदर लाइन यहाँ पर आपकी शुरू होती देखने को मिल रही है अराउंड 34 के एज से। तो 34 के एज तक तो बहुत ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेल करके यहाँ चल रही है, देख सकते हैं आप इसको। तो फेल करके जब चलती है, तो ये भी संघर्ष को ही सबसे पहले दर्शाती है, लेकिन फिर जो अनदर लाइन निकली हुई है, ये माइंड लाइन से थोड़ा ऊपर गई है, तब 34 के एज के बाद से आपको जीवन में संतुष्टि, ग्रोथ, प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। फिर मस्तिष्क रेखा से अनदर लाइन निकली, लेकिन कोई भी रेखा डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्शन ले नहीं पा रही है, तो सैटर्न पर जब सीधे कोई रेखा नहीं पहुंचती, तो संतुष्टि नहीं मिल पाता है। कोई भी काम शुरू तो आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी भी काम का हो नहीं पाता है। इसीलिए ये जो है रुक रुक करके क्यों चल रहा है, क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा, तो वो बार बार ध्यान व मन को भटकाती है, और जब ये भटकता है तो बार बार काम में परिवर्तन करने का मन करता है। हालांकि माइंड लाइन से निकली रेखा शनि की तरफ जा तो रही है, लेकिन पूर्णतः शनि पर पहुंचा नहीं है अभी, इसीलिए इसका कंफर्मेशन अभी नहीं दिया जाएगा। अभी आपको शनि के ऊपर काम डेफिनेटली करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जीवन में संतुष्टि, समृद्धि अथवा भाग्य, सहयोग, ये सभी चीज़ें प्राप्त होने वाला रहेगा। आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा जो इस प्रकार की आकृति बन रही है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, रहते रहते थोड़ा सीरियस नेचर हो जाने जैसे योगों को निर्मित करता है। और वहीं बात करें अब यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य की जो रेखा है वो आपके भाग्य रेखा से ही निकली हुई है, लेकिन सबसे मेन लाइन निकली हुई है मस्तिष्क रेखा के ऊपर से। तो देखिए, सूर्य रेखा जब मस्तिष्क रेखा या उसके ऊपर से निकलती है, तो इसके अंतर्गत हमेशा खुद के दम पर नाम कमाने के योग ज़्यादा अच्छे निर्मित होते हैं, और ये जॉब में लेकर के जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी लाइफ में अच्छे देखने को मिलते हैं। अब जैसे सूर्य के ऊपर ही बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो है क्रॉस के साइंस अवेलेबल हैं इस कंडीशन में। यहाँ एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक अवेलेबल है, तो जब इस प्रकार से क्रॉसेस के साइंस होते हैं, तो ऑपर उसे धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। जितना ही ज़्यादा किसी के लिए क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन उतना क्रेडिट वैल्यू नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। पिता से भी बेचारी कनबन मतभेद देता है। करियर के रिगार्डिंग क्वालिटीज़ हैं, यानी काबिलियत आपके अंदर है जॉब करने की या लाइफ में ग्रोथ करने की, लेकिन इस कंडीशन में अपने ही लोग थोड़ा बहुत दबाते हैं ग्रोथ होने से, और करियर के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होता है। तो ये नेगेटिविटी 70-80% सूर्य पर तब आती है जब सैटर्न एफ्लिक्टेड हो, यानी डिस्टर्ब हो। तो सैटर्न आप ठीक कर लीजिए, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सूर्य ठीक होने के बाद ये रहेगा कि जीवन में मान सम्मान, धन प्राप्ति के योग तो निर्मित होंगे, लेकिन अभी जो हर काम में जो सफलता देरी से मिलती है या फिर रुक सी जाती है, वो नहीं होगा। सफलता इमीडिएट मिलना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ में नाम होना शुरू हो जाएगा, अपनों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कोई व्यक्ति नाम खराब या दबाएगा नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में अच्छा ग्रोथ लेकर के आएंगे, और आपका जो सूर्य है
मल्टीपल्स लाइन के साथ चल रहा है तो आपके फोकस में कमी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रहे कि अगर एक समय पर आप एक ही काम करते हैं, आपको मरकरी वैसे अच्छा है फिंगर, तो इस कंडीशन में मल्टी टास्क आप कर सकते हैं, लेकिन माउंट अभी अच्छे रिस्पॉन्स कर नहीं रहे आपके। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने आप को जितना हो सके सिस्टमेटिक रखें, एक समय पर एक ही काम करें, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लें, कंसिस्टेंसी बना करके चलें अपने काम में, आपको बहुत अधिक सुधार जीवन में देखने को मिलेगा। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं, इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को गाइड एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, और सूर्य की रेखा आगे चल करके वी सिंबल का साइन भी ले रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि खुद के दम पर अपना घर बना पाने में, या जीवन में समृद्ध हो पाने में, नाम इज्जत कमा पाने में, धन कमा पाने में, खुद के दम पर ये सारे योग यहाँ पर निर्मित होते देखने को मिलते हैं। तो सूर्य अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा आपका रेक्टेंगल का साइन बनते हुए देखने को मिल रहा है, और ये मंगल का ही क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, इसलिए वो भूमि निर्माण कार्य में लेकर के जाता है, जिसके तहत घर बनने के योग भी अच्छे निर्मित होते हैं। तो सूर्य इस बात का प्रमाण है कि जीवन में आपके संघर्ष हर एक एक पग पर देखने को मिल रहा है। और अभी तक 34 के पहले तक तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन 34 के बाद जो भाग्य रेखा में एकाएक जो इतना स्मूथनेस आया, सुधार आया, ये इस बात का प्रमाण है कि 34 के बाद भाग्य उदय की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है आपके हथेली में। और वहीं बात करेंगे अभी मरकरी माउंट पे, तो यहाँ पर भी जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, गुड बिजनेस सेंस और लक को इंडिकेट करता है। ऐसा सूर्य जॉब में लेकर के जाता है लेकिन सफलता नहीं देता, ऐसा मरकरी बिजनेस में लेकर के जाता है और सफलता भी देता है। तो किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क करना, व्यापार करना, मन मुताबिक काम करना से कोई भी आपको नुकसान नहीं है, लाभ ही है, क्योंकि आपकी हथेली में जो लक लाइन निकली हुई है उसमें मरकरी लाइन भी है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसके अंतर्गत पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता भी है, और उसका सदुपयोग होते हुए भी देखने को मिलता है। तो ऐसा मरकरी तो बहुत अच्छा नॉलेज देता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है। बहुत अच्छे हीलर होते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपके लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक हंसमुख, हास्य कवि, वो मनोरंजक किस्म के देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, एंटरटेनमेंट अच्छे से दूसरों को कर पाने में या अपने ओर आकर्षित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ उठकर जा रही हैं, तो अपने स्पाउस के प्रति डेडिकेशन आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन इन रिटर्न जैसे कि क्रॉसेस के साइन से, तो इन रिटर्न मिल नहीं पाता स्पाउस से जितना एक्सपेक्टेशंस रहता है। सुख सुविधा या फिर एक प्रकार से इमोशंस, वहीं जो हृदय रेखा है वहां से रेखा निकल के नीचे जा रही है, तो ये भी इमोशनल सेटबैक की निशानी होता है। जब जब एक्सपेक्टेशन किसी से लगाते हैं और वो टूटता है, इमोशनल जब हर्ट होते तो ऐसी रेखा ही उत्पन्न हो जाती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन ना रहे, या फिर जब आप सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये इमोशनल ट्रबल आना लाइफ में बंद हो जाएगा। आपका नेचर वैसे थोड़ा सा हिडन है, तो अपने बातों को मन के अंदर ही दबा लेते हैं, और ये आदत थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन बातें बढ़ बढ़ कर बहुत ज़्यादा खुद को ही तकलीफ देने लगती है। राय का पहाड़ तिल का तार बड़ी सरलता से होता है। और वहीं जो अनदर सपोर्टिव लाइन है, ये भी इमोशनल नेचर दे रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा हिडन नेचर दर्शा रहा है। किसी के सामने दुख दर्द साझा करना ज़्यादा पसंद नहीं करते आप, जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड काम के प्रति देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन के बारे में देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन साफ साफ यहाँ दिख रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि बचपन शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव दोनों से गुजरा है आपका, और फिर उसका मानसिक तनाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है 18 से लेकर के तकरीबन यहाँ आपके 24 के एज तक। उसके बाद जा करके ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ लाइन है जो कि चेंज इसमें हुआ है। ये जो दूसरी लाइन है ये आपकी सपोर्टिव लाइन्स हो गई हैं, सपोर्टिव यानी गार्जियन एंजल लाइन। जब ऐसी रेखा होती है तो ये अदृश्य शक्ति को स्थापित करती है, जिसके तहत दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलता है जब जब तकलीफ होता है। तो कहने का कंसर्न ये है कि लाइफ में, लाइन में जो चेंजेस है वो 24 में आ रहा है, तो 24 के बाद से जीवन शैली में सुख सुविधाएं बढ़ी हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक तनाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये कब तक दिख रहा है, 32 के एज तक दिख रहा है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन है। तो इस कंडीशन में किसी न किसी बात को लेकर के चिंतन मनन करते हुए अधिकतर मामलों में देखने को मिलते हैं। 32 के एज के बाद में ये है कि माइंड लाइन पूर्णतः आपकी स्टेब्लिश हुई है और एकदम स्मूथ चल रही है, और आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी है, जिसके अंतर्गत सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, यानी बुद्धिमत्ता अच्छी देखने को मिलता है।
इस कंडीशन में लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज करते हुए सक्सेस मिलता है। जरूरी नहीं कि बड़ी डिग्रियां हाथ में हो, लेकिन तमाम तरह का ज्ञान आप जिस हद तक अच्छा अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। अब क्या होता है कि माइंड लेने की स्ट्रेट है, लॉन्ग भी है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना इस कंडीशन में ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत सारी रेखाएं आपके ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ देता है। इसलिए आप आँख बंद कर बिजनेस में जाइए, आपको कोई भी नुकसान नहीं रहेगा, और जो भी कष्ट है वो 32 से लेकर के 34 के एज तक ही है, क्योंकि 34 में भाग्य रेखा जनरेट हो रही है और 32 में मस्तिष्क रेखा में जो है आइलैंड का फॉर्मेशन खत्म हो रहा है। तो जीवन में जो भी आपको सुख सुविधा संपत्ति अथवा संतुष्टि, ये सभी के सभी 32 के एज के बाद में ही मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। तो चाइल्ड के योग तो यहाँ पर आपके दिख ही गए हैं अच्छे, मोक्ष प्राप्ति के योग भी दिख गए हैं, भाग्योदय के योग भी दिख गए हैं, और डबल मैरिज का कोई भी ऐसा मेन सिग्निफिकेंस आपके पाम में नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी रेखा शुक्र की आकर के लाइफ लाइन को काट के जा रही है, और अगर इस पीरियड की हम बात करें तो ये पीरियड रहने वाला है 34 का, यानी अगेन 32 से 34 की मिड में। तो इस पीरियड में आपके मैरिड लाइफ में चेंजेस हो सकता है, या फिर मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन है, तो ये सपोर्टिव लाइन बचाती है लाइफ लाइन में सभी तरह के स्ट्रेसेस को। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो अलगाव के योग निश्चित होते देखने को मिलते हैं 70-80% केसेस में। उसके पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा भी जनरेटेड है, और ये निकली हुई है 27 और 28 के एज में, दूसरी निकली हुई है 35 में। तो इस पीरियड में जीवन में ग्रोथ, सुख सुविधा संपत्ति या जो भी इच्छा मनोकामना है उन सभी की पूर्ति होते हुए देखने को मिल रहा है। और फिर रेखा बाहर की तरफ झुक रही है, तो जन्म स्थान से दूर भी यात्रा के जो सौभाग्य है आपको अच्छा मिलेगा। लाइफ लाइन से कनेक्टेड फिश सिंबल भी है, जिसके कारण लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस, अचानक से धन लाभ की स्थिति और वह भाग्य उदय की स्थिति स्थापित होती है। यहाँ से जो रेखा निकल रही है ये सबके सब मरकरी लाइन है, जो बिजनेस लक को स्टेब्लिश करता है। इसीलिए किसी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, और ऐसी सहयोगी रेखा सहयोग दिलाती है दूसरों के द्वारा, अपनों के द्वारा। जब जब कब कष्ट परेशानी दुख का सामना करना पड़ता है तो यूनिवर्सल हेल्प मिलता है। बच्चों से भी लाभ इस कंडीशन में अच्छा प्राप्त होता है, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काम से भी लाभ अच्छा मिलता है। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान देखने को मिलते हैं। जब भी किसी चीज़ के प्रति फोकस अच्छा रखेंगे वो टारगेट डेफिनेटली अचीव करेंगे। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, लेकिन यहाँ के जो आड़े रेखा ये सब के सब अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। आपका शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस कंडीशन में तमाम तरह के सुख सुविधा भोग विलास का लाभ जीवन में उठा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज अच्छी देती है, ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, और ऐसा शुक्र सुख सुविधा संपत्ति के साथ साथ, संपत्ति की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है आपके पाम में, क्योंकि आपके हथेली में संपत्ति जागृत योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं हर एक क्षेत्र के विषय में। दूसरी बात इसमें यह हो जाती है कि लग्जरीज, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। घूमने फिरने का, अलग अलग प्रकार के खान पान का, क्रिएटिव माइंडसेट, ये सारी कॉम्बिनेशन को ये अच्छा क्रिएट करता है। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जिसके कारण सोचने समझने की सक्षमता, काल्पनिकता ये बढ़ाता है, और मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो ही रहा है तो पैसा भी जीवन में ठीक आएगा, रुकेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा 34 के बाद से। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो अगर ये यहाँ पर तिल है तो ये तिल बिल्कुल ठीक नहीं होता है शनि पर, क्योंकि इस तिल का काम है उदासीनता देना, हर काम में बाधा देना, मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम देना, और काम बनते बनते बिगड़ना या काम में देरी जैसे योग निर्मित होते हैं। इसलिए शनि का रेमेडी करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर भी भाग्य रेखा कुल मिलाकर के ठीक है, मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रांग जा रही है, और यहाँ पर देखेंगे तो बीच में जो रेखा जा रही है ये सफलता दिलाती है निश्चित रूप से, और शनि की ये रेखा को कहते हैं ट्रूथ लाइन। तो इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, ऐसी सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो जीवन में कुल मिलाकर के सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बैरियर यानी ट्रबल दिख रहा है शनि की तरफ से बार बार। ये जैसे ही ठीक हो गया, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में पॉजिटिव होते चले जाएंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, जहाँ तक बात करें मरने का, तो यहाँ पर अभी कोई भी कॉम्बिनेशन स्ट्रांग नहीं दिख रहा है कि एज क्या रहने वाला है आपका, क्योंकि जो है लाइफ लाइन धीरे धीरे आगे की तरफ ही बढ़ रही है, इसीलिए इसका जजमेंट अभी नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।